मेन जो इसको जो है सिम्टम हमें देखने को मिला है वो एडिमा है जी। तो जो स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हैं वो एनिमल की स्किन के ऊपर भी हो सकते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं, जो इंटेस्टाइन्स में हो सकते हैं, ठीक है, ब्लेडर में हो सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स की जो है फील्ड में देखने को मिला है जिनकी इसी बीमारी से डेथ हुई है, तो हमने उसको उनके जो पोस्टमार्टम किए हैं, पोस्टमार्टम की वीडियोस भी हमने जो है वो इसी एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो डाल दी हैं। तो वो भी आपको जो है आगे चल के हम दिखाएंगे पोस्टमार्टम पे जो है हमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं। इसके अलावा जो एनिमल रिकवर हो गए हैं इस बीमारी से, तो रिकवर होने के बाद जो है ना फिर हमने दोबारा उनकी वीडियो बना के तो वो भी इसी वीडियो के एंड में डाल दी है। तो जो है ना इस तरह से ये कम्प्लीट वीडियो हमने बना के जो है ना वो अपलोड की है। तो ये एक और एनिमल है, ये फ्रीजियन है प्योर। इससे पहले जो हमने आपको एनिमल दिखाए हैं वो सारे जो है क्रॉस थे, कोई लोकल एनिमल जैसे साहिवाल है, चोलिस्तानी वगैरह इनके साथ फ्रीजियन का क्रॉस जो है ना वो एनिमल थे। तो ये अभी जो है ये प्योर फ्रीजियन है। इसको भी एडिमा का इशू आ रहा है और इसको सीवियर एडिमा है, पूरी टांग सूजी हुई है नीचे जो है ना इसका जो फैटलॉक जॉइंट है। तो ये एक और एनिमल है, ये भी प्योर फ्रीजियन है, इसका भी सेम वही इशू है। तो हमने जो है फील्ड में देखा है अगर किसी एनिमल की को अगर लेग का एडिमा है और वो स्किन अगर फट जाती है तो उसके अंदर से जो है ना सीरस टाइप का फ्लूड जो है वो आता रहता है। तो अगर हम उसकी वूंड की जो ड्रेसिंग करते रहें तो ये ठीक हो जाता है। और जैसे ही एनिमल जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाने लगता है तो सबसे पहला जो चीज़ रिकवरी हमें नज़र आई है वो ये है कि एडिमा उसका जो है ना वो गायब होता है सबसे पहले, बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद में स्लोली स्लोली स्लोली, वो सबसे एंड में जो चीज़ जो एनिमल की रिकवर होती है वो उसकी स्किन है, जो उसकी स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बने हुए हैं। तो अगर तो वो जो है ना वो फट जाए तो उसके अंदर से पस और इस तरह का जो फ्लूड वो निकलता है। तो अगर वो वैसे ही रिग्रेस हो जाए तो वो जो है ना स्किन के ऊपर परमानेंटली जो है ना वो एक स्कार टाइप जो है ना वो बन जाता है। तो वो भी आगे चल के हम जो है ना दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने बात की कि अगर जो है ना जो लेग एडिमा है वो अगर स्किन कहीं से फट जाए तो उसके अंदर से फ्लूड निकलता है, ये एक छोटी सी बच्ची है तो इसका जो है ना वही जो है ना नोड्यूल फटा है तो उसके अंदर से सीरस जो है ना फ्लूड ये हर वक्त ही इसके अंदर से निकलता रहता था। तो ये भी बाद में ठीक होगी, बिल्कुल हेल्दी होगी जी, ठीक है जी। तो ये एक और बुल है, इसको भी जो है ना फ्रंट लेग का एडिमा हुआ है। तो देखें ये हर एनिमल को जो है ना सिम्टम्स वेरी करते हैं, एक ही एनिमल में सारे के सारे सिम्टम्स नहीं हैं और जो है ना और सारे के सारे सिम्टम्स एक ही हर्ड में जो है ना वो भी देखने को नहीं मिले। तो हर एनिमल में जो है ना इसकी डिजीज़ की जो है प्रोग्रेस वो डिफरेंट है। तो ये एक और हीफर है, इसकी एज कोई 8 महीने के करीब है। तो इसकी स्किन के ऊपर भी ये नोड्यूल्स बने हुए हैं और एक ही अच्छा फिर एक और चीज़ में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक एनिमल के ऊपर जो नोड्यूल्स हैं इनमें हर नोड्यूल का साइज़ दूसरे से डिफरेंट होता है और एक ही हर्ड के अंदर जो है ना वो सारे एनिमल्स के ऊपर नोड्यूल्स उनकी जो कह लें तो काउंटिंग है उनकी तादाद है वो भी डिफरेंट होती है। तो इस हीफर हालांकि ये हीफर है 8 महीने की इसके, लेकिन फिर भी इसको जो ब्रिस्केट एडिमा जो है ना वो देखने को मिला है। इसमें जो है इस हीफर में लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो पेरोटिड और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड हैं वो इन्वॉल्व हैं। बाकी अब तक जो हमने केसेस देखे हैं उसमें हमने लेग एडिमा देखने को मिला है, तो ये एक नया केस है जिसमें हमें ब्रिस्केट एडिमा भी देखने को मिल रहा है। तो बाकी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये लम्प्स बने हुए हैं। इसको टेम्परेचर भी रहा है 104 के करीब, 104 फारेनहाइट जो है ना इसको टेम्परेचर रहा है काफ़ी अरसा। तो इसको पेन किलर्स वगैरह और इस तरह की मेडिसिन देते रहे हैं तो ये बाद में काफ़ी बेहतर हो गई है। अच्छा इसके अलावा एक और जो चीज़ हमने देखी है कुछ एनिमल्स में, अभी ऐसे ही एनिमल है इसके अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो नोड्यूल्स जो हैं जो उनके जो नोड्यूल्स के इर्द जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, नोड्यूल के इर्द गिर्द की जो स्किन है वो फट गई है, वो ऐसे फील होता है जैसे किसी ने प्रकार उसके ऊपर रख के ना जो गोल दायरा लगा दिया हो। तो स्किन जो है वहाँ से गोल दायरा से जो है ना वो फट गई है और एक समझ लें कि गड़ा बन गया जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर इतना क्लियर नहीं है लेकिन कुछ एनिमल हमने और देखे मैंने फील्ड में तो उनकी वीडियो नहीं बना सका, उनको ऐसे फील हो रहा था जैसे जो है ना बिल्कुल ही गोल किसी ने प्रकार रख के जो है ना गोल दायरा लगा के तो वो स्किन जो है ना वो फाड़ दी है। तो वो एनिमल को बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है ना कंडीशन है तो उसको
कोई एंटीबायोटिक स्प्रे वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम लगाते रहें तो वो काफ़ी बेहतर हो गया था। ये अब एनिमल देखने को मिल रहा है, इसको भी ब्रिस्केट एडिमा का इशू है, बाकी इसके इसकी स्किन के ऊपर भी नड्यूल्स बने हुए हैं तो, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। मेन जो इसको इशू आ रहा है वो ब्रिस्केट एडिमा का इशू आ रहा है। तो देखें हर एनिमल में इसके जो लंपी स्किन डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, एक एनिमल में सारे सिम्टम्स नहीं हैं। और अब तक जितने भी जानवर हमने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं वो सारे के सारे रिकवर हो गए, ये भी रिकवर हो गई थी। तो इसकी स्किन के ऊपर देखें, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने 1 रुपए का सिक्का रख के तो प्रकार से जो है ना गोल दायरा लगा दिया, वही चीज़ है। ये एक और एनिमल है, इसको भी ब्रिस्केट एडिमा का इशू बना है, तो ये भी 100% जो है बाद में रिकवर हो गया है। ये एक नई चीज़ है, इस एनिमल को इसको कंजक्टिवाइटिस का इशू भी है इसमें, इसी डिजीज़ में। तो जैसे जो है ना पिंक आई में होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। तो कॉर्नियल ओपेसिटी जो है ना वो इस एनिमल में देखने को मिल रहा है। तो हमने जो फील्ड में केस देखे हैं उसमें कॉर्नियल ओपेसिटी हमने उन एनिमल्स में देखी है जिनमें रिकवरी जो है ना वो ना होने के बराबर थी। तो डिजीज़ के कोर्स के एंड में जाके जो है ना कॉर्नियल ओपेसिटी वो हमें देखने को मिली है। और जिन एनिमल्स में हमें कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिली है तो उनमें से मुश्किल से ही जो कोई एक ही एनिमल सर्वाइव किया, बाकी की डेथ हो गई थी। तो ये एक हीफर है, बिल्कुल अडल्ट हीफर, बयाने के बिल्कुल करीब है। इसी अभी इसकी इसके साथ वाले जो है उनकी इंसेमिनेशन हो रही थी, तो इसको जो है ना वो काफ़ी सीवियर जो है ना इसका अटैक हुआ है, तो इसकी डेथ हो गई थी। बाद में हमने इसका पोस्टमार्टम किया तो वो वाली वीडियो भी हमने इसके इसमें जो है इसी वीडियो के अंदर लगाई है। तो इसको लेग एडिमा भी है, स्किन के ऊपर नोड्यूल्स भी हैं, टेम्परेचर इसका काफ़ी हाई रहा है, 105 से नीचे आया ही नहीं है। तो बाद में जो है इसको कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई थी, खाना पीना इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उससे जो है इसको जो स्टमक की र्यूमन की एसिडिटी वो भी इशू आया बाद में। तो ये इसकी स्किन है, स्किन के ऊपर जो है ना काफ़ी सारे नोड्यूल्स हैं और काफ़ी जो है ना इनका साइज़ भी बड़ा है। नॉर्मली जो है लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में लिखा हुआ है कि नोड्यूल्स का साइज़ 1 से 7 सेंटीमीटर तक होता है। तो इसके अंदर इस एनिमल के अंदर मैक्सिमम जो है ना नोड्यूल्स वो 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इतने के ही जो है हमें देखने को मिले हैं। ठीक है जी, तो अभी हम आपको और भी केसेस दिखाएंगे, एक केस इससे भी ज़्यादा सीवियर वो इससे अगली वीडियो में है, इसी वीडियो के साथ ही है। तो लेकिन वो एनिमल इससे भी ज़्यादा कंडीशन उसकी सीवियर थी, लेकिन वो बिल्कुल रिकवर हो गया, 100% रिकवर हो गई हीफर। और इस टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोई 3 मंथ की प्रेग्नेंट भी हो गई हुई है। तो हर एनिमल का जो डिजीज़ रिस्पॉन्स है वो अलग है। तो लेटेस्ट स्टेजेस पे जो है इसी एनिमल की बात करें तो इसको जो है काफ़ी देर के बाद जब इसने खाना पीना छोड़ दिया उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर गया था, 98-99 पे आता रहा। तो हमने इसको मल्टी वाइटामस की और टोन अप करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी कुछ जो है ना वो दिया है, तो लेकिन ये एनिमल जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाया। इसकी जो है आईज़ के ऊपर भी जो है ना आपको वही इसी तरह के नड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखें लम्प्स इसके बड़े हैं, काफ़ी बड़े, कुछ तो कुछ लम्प्स का साइज़ तो इवन 7 सेंटीमीटर से भी देखने को मिला है। हालांकि बुक्स में जो है ना ये चीज़ नहीं लिखी हुई। ये एक और एनिमल है, इसको भी अडर डिमा का इशू है। तो अडर डिमा इसको जो है ना काफ़ी सीवियर, इतना ज़्यादा सीवियर कि इससे जो है ना इसको चलने फिरने में भी दिक्कत होती रही है, और जो है ना मिल्क इसका काफ़ी कम हो गया इस वजह से। तो ये एनिमल भी काफ़ी रिकवर हो गया था बाद में। ये एक और एनिमल जिसको हम बात कर रहे थे कि इसको उस जो पहले हमने आपका दिखाया केस उससे भी ज़्यादा सीवियर इसको अटैक हुआ है, लेकिन ये 100% रिकवर हो गया है। इसकी जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी इन्वॉल्व हुआ है, और क्यूटेनियस सिस्टम इसकी जो जिल्द है और एलिमेंट्री ट्रैक्ट वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई है। इसकी आइज़ के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन जो आइज़ की है उसके अंदर, तो हर तरफ ही जो है ना नड्यूल्स हमें देखने को मिले। ये देखें इसकी आइज़ के अंदर भी बने हुए हैं। तो अगर हम बुक की बात करें तो बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे आपको इस तरह के नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो इस एनिमल की पूरी स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना डिफरेंट साइज़ के जो है ना लम्प्स जो है ना ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इवन जो है ना इसकी लेग्स के ऊपर, इसके अडर के ऊपर, और ये दुम के ऊपर भी है, और जो है ना इसकी जो एनस है, एनस के इर्द गिर्द, वल्वा के इर्द गिर्द, हर जगह पे जो है ना इसी तरह के जो है ना नड्यूल्स जो है बने। तो लेकिन जो है ना ये एनिमल, इसकी इम्यूनिटी क्योंकि काफ़ी बेहतर थी और इसका ट्रीटमेंट भी जैसे जो पहले एनिमल का हमने बताया आपको सेम टू सेम इसका ट्रीटमेंट भी वही चलाते रहे हैं, लेकिन ये एनिमल जो है इसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया और रिकवर हो गया था। अच्छा, इसमें